जी हाँ भाई और बहनों, ये है बॉलीवुड बस्ती और यहाँ रहते हैं सभी फिल्म हस्तियों के लुक लाइक। ये है सलमान, ये है अनिल कपूर, साथ में है जैकी श्रॉफ और है शाहरुख खान। ये क्या, एक और सलमान खान, साथ में है उनकी आइटम मन्नी। और ये है कृष्णा बैंड वाला। मामला गड़बड़ है, सलमान की उनकी आइटम मुन्नी से अपनी एक सेटिंग है। प्यारी भाई और बहनों, कैसी पायदान बाय पायदान मोहब्बत परवान चढ़ रहा है, है ना? मोहब्बत की पप्पियों से पेट तो नहीं भरता है ना? मुश्किल ये है कि कृष्णा बैंड वाला और राजा की आपस में नहीं बनती, पर इन दोनों को आपस में मिलाने आया है आपका हैप्पी, यानी कि हैप्पी सिंह। भाई बहुत दिन हो गए ना आपके गाने की किक नहीं पड़ी, भाई आज तो जलवा दिखा दो ना भाई। देख, गाने की किक नहीं पड़ी, चल जाए से। अबे चिल्लर पार्टी तुम लोग फिर शुरू हो गए। मैंने बताया ना, उस बैंड वाले के साथ मैं कभी काम नहीं करूंगा। ए, तू जानता है ना मैं कौन हूँ? भाई जानता हूँ ना भाई। भाई आपने शाहरुख भाई के लिए मौला मेरे लिए मेरी जान गाया था। आपने शाहिद भाई के लिए आपने भाई चस्का चस्का गाया था। भाई आपने इमरान हाशमी के लिए पहला आपकी कशिश, फिर उसके बाद आपने सोनियो गाया। भाई भाई अपनी सनी लियोनी के लिए आपने भाई ग्लैमर सखिया गाया। भाई आपका अभी आया ना इंतकाम देखेगी। भाई आपको एक अंदर की बात बताऊं क्या भाई? भाई आज सलमान भाई का बर्थडे है। भाई बर्थडे? सलमान भाई का बर्थडे? फिर तो जलवा होना चाहिए, फिर तो जलवा होना चाहिए, जलवा होना चाहिए ना। अरे मस्ती कर रहे भाई, सलमान भाई मैं आ गया हूँ दोबारा, वेलकम नहीं करोगे हमारा? भाई कैमरा लुक गया या सेंटर या योर लेफ्ट, होल्ड होल्ड। लाखों करोड़ों फैंस हैं उनके, बट ये
उनके बर्थडे ईव कह सकते हैं, एक दिन पहले बर्थडे के हम लोग ये केक काट रहे हैं उनके लिए, और दुआ करते हैं कि वो और तरक्की करें और खुश रहें, गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ। और एक गाना मैंने स्पेशली इंडिया का पहला फैन बॉय सिंगल बनाया है, जिसको हिंदुस्तान में आज तक किसी ने ये नहीं किया है कि किसी एक्टर के लिए या किसी स्टार के लिए कोई गाना बनाकर उसका वीडियो शूट किया गया हो। और हमने ये पहले कोशिश की है सलमान भाई के लिए, हमने मिलकर किया है। एंड आई कंग्रेचुलेट एवरीवन एंड वी विश सलमान सर अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सलमान भाई। चलिए 1 2 3 अपने पास रियल सलमान भाई के सर ही आपके लिए है, बट मैं आपके लिए Krishna Beuraa, and we've made a song on Salman bhai on his birthday. We are dedicating this song. Haan ji, boliye boliye. Sir, aaj aapke liye kaafi khaas din hai, aapke liye kya hai sir, Salman bhai ka birthday hai aur aapne khaas taiyar kiya hai, kya hai? Pehli baar Hindustan mein, guys thoda sa silence, guys please. ये बेसिकली मैं सलमान सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और जिस तरह से उनके करोड़ों फ़ैन्स हैं वैसे उनमें से मैं भी एक हूँ। और बेसिकली उनके बर्थडे पे हम तो कोई तोहफा उनको दे नहीं सकते, इसलिए हमने ये गाना बनाया है जो स्पेशली इंडिया का पहला फ़ैन बॉय सिंगल है। ये बेसिकली इंडिया का पहला फ़ैन बॉय सिंगल है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फ़ैन ने किसी स्टार के लिए, किसी एक्टर के लिए गाना बनाया है, उसको कंपोज़ किया है, उसको गाया है, और उसको शूट भी किया है, और उसका एक म्यूज़िक वीडियो तैयार किया है। तो हमने म्यूज़िक वीडियो ख़ास सलमान भाई के बर्थडे पे उनके लिए गिफ्ट के तौर पे बनाया है। कैसे जहन में आया आपको कि सलमान का बर्थडे हर साल आता है? जी, हर कोई अपनी पब्लिसिटी पाने के लिए आ जाता है, लेकिन आपको पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। जी, आपके गाने वैसे भी फेमस हैं। जी, कैसे जहन में आया कि चीज़ करना चाहिए? नहीं, पब्लिसिटी बेसिकली क्या है, ये पब्लिसिटी के लिए नहीं है। बेसिकली ये गाना बनाया ही इसीलिए गया है कि उनको डेडिकेट किया जाए, उनके सारे फैंस को ये चीज़ पसंद आए और उनके फैंस इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और ये गाना स्पेशली भाई के लिए है, और इसका लिरिक्स लिखा है मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं चीची, और उन्होंने ये लिरिक्स लिखा है। और उन्होंने इसमें जो है सलमान भाई का जो रियल परसोना है उसको पूरा उन्होंने इसमें बखान किया है पूरा। भाई अपना भाई, सल्लू भाई, मुंबई का सक्का है सल्लू भाई, डैशिंग है, हैंडसम है, हॉट है,
हर बेब का उसको वोट है, बॉडी शॉडी उसकी टोंड है, इंडिया का मिस्टर बॉन्ड है, मतलब ये सारी चीज़ें उन पर जाती हैं, तो उनका जो पूरा पर्सोना है उसके ऊपर ये गाना डेडिकेट किया गया। गाना हमको बनाने में बेसिकली 10 डेज लगे हैं ऑलमोस्ट, और उसके बाद शूट उसको किया हमने 2 दिन, और उसके बाद ये पूरा कोरियोग्राफ हुआ है, 2 दिन उसकी रिहर्सल चली है, बच्चों को हमने लिया है, स्लम्स के बच्चों को लिया है, और जो उनके फैंस हैं सबको लिया है, और हमारे साथ खास करके वी आर थैंकफुल टू ऑल दी एक्टर्स, जूनियर एक्टर्स जिन्होंने इसमें काम किया है, जो कि शाहरुख भाई के डुप्लीकेट हैं, जो उनके जूनियर हैं, और सलमान भाई के राजा सगू है इसमें, लिप्सा करके एक एक्टर हैं वो भी हैं, बहुत सारे एक्टर्स को हमने लिया है, और सागर भाई हैं जो इसमें, उन्होंने भी है, आप म्यूज़िक वीडियो में देख सकते हैं, तो हम सभी लोग हाँ जी, नहीं मुश्किल का कोई सामना नहीं करना पड़ा हमें बेसिकली, बट ये था हमें थोड़ा सा डर था कि कहीं जो हमारा प्लान है कि हमें 27 से पहले इसको रिलीज़ करना है वो होगा कि नहीं टाइम से, वही टाइम कंस्ट्रेंट था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें। हमने गाना रिकॉर्ड किया, अराउंड 10 डेज लगे हमको, गाना उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ था चीची ने, तो उसके बाद हमने इस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद फिर इसको शूट किया, शूट हमें 2 दिन करना पड़ा, कोरियोग्राफी इसकी जो है उसकी जो रिहर्सल्स थी बच्चों के साथ वो हमने किया, अबाउट 20 बच्चे हमने यूज़ किए हैं स्लम्स के, और वो पूरा एक जाके कोलीवाड़ा में ट्रॉम्बे में शूट किया हमने गाना, तो इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आप डेफिनेटली हम चाहेंगे कि सलमान भाई को हम जाके गाना प्रेजेंट कर सकें, बट वैसा कोई एक्सेस हमारा है नहीं उनसे डायरेक्टली जाके मिलने का, बट चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उन तक हमने अपने सोर्सेज से कोशिश की है कि शायद उन तक गाना पहुंच जाए, अगर वो देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हम हमारे और साथ में आपने उसके जो दूसरे आर्टिस्ट हैं जी, उनको लिए हैं आपने साथ में जी, कैसी केमिस्ट्री उनके साथ में, कैसे आप लड़के सब एक साथ में आ रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये सारे जितने भी आप एक्टर्स देख रहे हैं इसमें वो सारे हमारे अच्छे मित्र हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो हम सब ने मिलकर कोऑपरेशन के तौर पर काम किया है, किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई हम भी, वो भी अपनी जगह पे, वो लोग भी काफ़ी फेमस हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, तो हमें ये बिल्कुल भी उनकी तरफ से कोई टैंट्रम्स नहीं देखने को मिला, बहुत हेल्प किया, बहुत कोऑपरेट किया, स्पेशली राजू रायकवार जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत हेल्प किया इस वीडियो को बनने में, उनका जो प्रोडक्शन है उसने हमको बहुत हेल्प किया है, तो इसकी वजह से वीडियो पॉसिबल हुआ। सर आपकी बात करें अभी आपके ऊपर आते हैं जी, ऐसा कौन सा गाना है जो चीची कम मैं आपको मिलवाना चाहूँगा, ये चीची हैं, इन्होंने ये गाना लिखा है, चीची दो शब्द, इनका भी नाम देखो कुदरती, इनका नाम चीची है जो कि गोविंदा जी का नाम है, तो इन्होंने ये गाना लिखा है। गाना एक्चुअली हम सभी लोग सलमान खान के फैन तो हैं, और कृष्णा भाई और मेरा ऐसे एक दिन बात हो रही थी कि कुछ सलमान खान साहब पे कुछ लिखा जाए, अभी 1.5 महीना पहले हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे, तो इन्होंने बोला कि सभी लोग उनके इतने बड़े फ़ैन हैं तो कुछ ना कुछ लिखना चाहिए उनके ऊपर, और मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ये भी फ़ैन है, सभी लोग हैं, मतलब ऐसा कोई नहीं जो उनका प्रशंसक ना हो, इस वीडियो से जितने लोग जुड़े हैं सब उनके सभी फ़ैन हैं, मतलब कंट्री में ज़्यादातर लोग उनके फ़ैन, उनके काम को सराहते हैं, तो ये एक तरीका है उनके काम को सराहने का, हमारा प्रेम और जो मास है, जो फैंस लोग हैं उनकी तरफ से हमने उनके लिए ये गाना लिखा या बनाया है, तो होपफुली उनको पसंद आएगा और देखते हैं आगे। कृष्णा जी भाई अपना भाई सल्लू भाई, मुंबई का सकाई सल्लू भाई, भाई अपना भाई सल्लू भाई, मुंबई का सकाई सल्लू भाई, डैशिंग है, हैंडसम है, हॉट है, हर बेब का उसको वोट है, बॉडी शॉडी उसकी टोंड है, इंडिया का मिस्टर बॉन्ड है, दोस्तों का दोस्त है, दिल का बड़ा सॉफ्ट है, फेस पे जो एंगर है फिर ये बड़ा डेंजर है, ईद का ये चांद है, महफिलों की जान है, दिल को खोलो मिलके बोलो 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 बोलो, भाई अपना भाई सल्लू भाई। जी थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, सर मेरा नाम सागर सलमान पांडे, जो सब लोग जानते हैं, और मैं आप लोगों के सामने मैं आप लोगों का दोस्त सागर सलमान पांडे, लोग मुझे जूनियर सलमान खान के नाम से जानते हैं, सलमान सर के नाम से जानते हैं,
मैं खुद भी एक एक्टर हूँ, लेकिन आज सबसे मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज सलमान सर का जन्मदिन है। और सर बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन, और आप ऐसे हमेशा टाइगर जिंदा रहें, हैंडसम रहें। आज भी आप 25 इयर्स के हैं और हमेशा 25 इयर्स के रहेंगे। आपको देख के पूरी इंडिया एक मिसाल है कि आपको देख के लोग खुद बहुत ज़्यादा फिट रहना चाहते हैं। और जन्मदिन एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो तहे दिल से हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से। और आपके लिए एक गाना डेडिकेट किया है हमारे दोस्त कृष्णा सर ने, उन्होंने गाना गाया है, भाई अपना भाई सल्लू भाई, भाई अपना भाई सल्लू भाई। ये गाना उन्होंने आपके लिए डेडिकेट किया है। आज YouTube पर इसको लॉन्च करेंगे और पूरी दुनिया, पूरा इंडिया देखेगा इस गाने को। और हम लोग चाहते हैं कि ये गाना आप तक पहुंचे और आपके जन्मदिन पर बहुत बहुत ये गाना हमारी तरफ से बधाई के लिए है। तो सर बस यही इतना कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच। और हमारा पूरा टीम आपको एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता है, बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू सर। जी सर, मैं सलमान सर से मिला हूँ, बहुत बार मिला हूँ, और जब भी मिलने का दिल होता है तो भाई के पास चला जाता हूँ, भाई गले लगाते हैं, मिलते हैं। और मैंने मेरे सारे दोस्तों को भी मिलवा दिया। मेरे दोस्त हैं शाहरुख खान, राजू रहिकवार, वो भी मिल चुके हैं। मेरे दोस्त हैं बाबा आयुष जडेजा, वो भी भाई से मिल चुके हैं, एक बार नहीं दो दो बार। और भाई ने इतना टाइम दिया, शायद किसी को देते भी नहीं हो, लेकिन इसमें ही भाई की बहुत बड़ी ग्रेटनेस है, मानता है कि वो हमारे जैसे इतने छोटे से लोगों को इतना टाइम दिया, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए भी। जी सर, एक्चुअल में माँ बाप ने पैदा कर दिया, सरनेम उनके नाम से आया, पांडे के नाम से, लेकिन भाई के नाम से आज मैं जो कुछ हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो भाई के नाम से। तो भाई के का नाम मेरे साथ जुड़ा रहेगा और हमेशा पूरी ज़िंदगी जुड़ा रहेगा, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, अधूरा हूँ। जी सर, इस एल्बम में बहुत मस्ती किया, बहुत धमाल हुआ और बहुत मज़ा भी आया। कृष्णा सर ने बहुत मस्ती किया, हम लोग साथ में लेके, पूरी टीम को साथ में लेके, और ये जो प्रोडक्शन हाउस जिन्होंने इसको अरेंज किया, राजू रहिकवार, टाइम वर्ल्ड, बिग बॉलीवुड, और ड्रेस का जो अरेंजमेंट किया बॉलीवुड, ये तीनों ने मिलके सपोर्ट किया। और कृष्णा सर ने इस एल्बम को बनाया ना, बहुत मज़ा आया, धमाल हुआ। वो कहते हैं ना, स्वैग से स्वागत करेंगे, तो स्वैग से सबका स्वागत कर दिया और भाई ने बना दिया कि भाई अपना भाई। थैंक यू सर। टाइगर जिंदा सुपर डुपर हिट फिल्म है, मैंने कल रात को अकेले जाके तीसरी बार देखा, क्योंकि मेरे दोस्तों को ये पसंद नहीं कि मैं पिक्चर बार बार देखूं, और मैं ट्रायल में भी जाके देख लेता हूं, घुस जाता हूं भाई की वजह से, और पिक्चर को थिएटर में भी देखता हूं। तो टाइगर जिंदा है तो कोई जवाब ही नहीं है, उसका रिकॉर्ड मुझे लगता है कि अभी की जितनी फिल्में हैं सबसे ऊपर है, सबसे सुपर है और सबसे टूपर है। भाई देवे बॉस, मेरा पूरा नाम है राजू रहिकवार और जूनियर एस आर के नाम से मुझे पहचाना जाता है, और तकरीबन 24 साल से मैं शाहरुख साहब की कॉपी कर रहा हूँ और अपना घर चला रहा हूँ। सर, वर्ल्ड के बिगेस्ट और सुपरस्टार है मिस्टर सलमान खान साहब, जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है टाइम वाले इंटरटेनमेंट, बिग बॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड वाला और आरबी फिल्म्स, जिसके माध्यम से ये प्रोडक्शन हाउस में ये एल्बम लॉन्च हुआ है। और हमारे कृष्णा बीरा साहब है जो प्लेबैक सिंगर है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के, मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इन्होंने हमें मौका दिया कि हमें साथ में काम करने का। और हमारे जो सलमान भाई के लुक लाइक से सागर, इन्होंने काफ़ी हमारी मदद की है। और पिट्टू सिंह जी इसके जो कोरियोग्राफर है, उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की कि 40 बच्चों को इकट्ठा जमा करना, आपको तो पता है सर कि बच्चों को लेके काम करना इतना ईजी नहीं होता, और सलमान भाई के डाई हार्ड अगर कोई फ़ैन है तो वो छोटे बच्चे लोग हैं। तो हमने पूरी मर्यादा के साथ में एल्बम पूरा शूट किया है। सल्लू भाई भाई का पेट नेम है, मीन्स लोग उन्हें प्यार से कहते हैं, तो हमने एक वो भी एक दायरा रखा है कि भाई को बुरा ना लगे। तो इसलिए स्पेशली हम लोग ने एल्बम के शुरुआत में सलमान साहब से माफ़ी मांगी है कि फ़ैन है सर, फ़ैन तो कुछ भी बोल सकते अपने स्टार को, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, जो आज जो स्टार होता है अपने फ़ैन की वजह से होता है। तो एक छोटी सी कोशिश की है फिल्म इंडस्ट्री में, ताकि लोगों को मैसेज पहुंच सके कि भाई
हम भी जूनियर है तो क्या हो गया, लेकिन सलमान भाई के लिए हम भी कुछ कर सकते हैं, शाहरुख साहब के लिए हम भी कुछ कर सकते हैं करके। जूनियर के अलावा सबसे बड़ी बात आप उनके फैन हैं। जी सर जी। तक आपका कपड़े रहना बाल स्टाइल चश्मा हर चीज़ आप कॉपी तो नहीं कह सकते, बट सर क्या हो सर एक्चुअली क्या हो गया, मैं दीवाना फिल्म देखने गया था मेरे गांव में, तो सडनली मैं फिल्म देख के जस्ट बाहर निकल रहा था, एक लड़की ने कहा पाए मरे शाहरुख खान, तो मेरे दोस्त ने सुन लिया, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि यार वो लड़की ने तुझसे कहा कि तू शाहरुख जैसा दिखता है, तो मैंने दोस्त से पूछा यार ये कौन है, यार अभी जिसके हम फिल्म देख कर आए, तो उस वक्त शाहरुख साहब का फौजी आता था और सर्कस आता था, तभी मैंने बोला हाँ यार वो एक्टर के जैसा दिखता हो, मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन लोगों ने मुझे बनाया सर, मैं बनना नहीं चाहता था, वो धीरे धीरे कहानी चलती रही सर और कहानी आगे बढ़ी, और आज मेरी जो रोजी रोटी है वो शाहरुख साहब की वजह से पूरी, उनकी कॉपी करके घर चल जाता है सर मेरा, देखो ना खुद की एक्टिंग तो कोई भी करता है सर, दूसरे की एक्टिंग करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, इसलिए तो हमारी इंडस्ट्री में डायलॉग्स बहुत मशहूर है कि नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है, और ये इंडस्ट्री में कोई ओरिजिनल या डुप्लीकेट नहीं होता, एक्टर सिर्फ एक एक्टर होता है। जी आप सब तीनों मिलकर सलमान की घर जाने वाले हैं। जी बिल्कुल 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 डेफिनेटली सर, जैसे मौका मिलेगा, जैसे भाई फ्री हो जाएंगे, भाई तो आज माशाल्लाह अपने कल फार्म हाउस में रहेंगे, तो हम कोशिश करेंगे सलमान भाई के घर पे भी जाए, और अगर मौका मिल गया तो शायद हमें फिर भाई हमें देख भी ले और शायद ट्वीट भी कर दे, क्योंकि देखो भाईजान हर किसी को सपोर्ट करते, मैंने ट्विटर पे हमेशा देखा नाइट में भाई किसी ना किसी को सपोर्ट करते रहते हैं, तो हम लोग ने एक छोटी सी कोशिश की है, तो शायद हम लोग सागर के जरिए शायद चले जाए सलमान भाई तक और ये मैसेज पहुँचे, और ये एल्बम वीडियो भी उनको दिखाएंगे भाई को, कोशिश करेंगे शायद अगर भाई को अच्छा लगता तो शायद भाई ट्वीट भी कर दे, और स्पेशली कृष्णा बेउरा साहब को करना चाहिए क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई कि भाई एल्बम बनाना है, अब आप सोचिए सर यूट्यूब के लिए कोई बनाएगा तो इतना खर्चा नहीं करेगा, रेड एपिक पे शूट किया गया है और ड्रोन कैमरा यूज़ किया गया एल्बम के लिए सर। सर देखिए अभी सलमान भाई के बहुत अगर अजीज़ है रियल लाइफ में तो एक है संजू बाबा है, अनिल कपूर साहब है, जैकी दादा है, और अभी शाहरुख साहब है, तो हमने कोशिश की कि भाई हमारा जो संजय दत्त है वो तो बिजी था, तो हमने सोचा कि यार चलो हम शाहरुख भाई को ले लेते हैं, अनिल साहब को ले लेते हैं, जैकी श्रॉफ को ले लेते हैं, तो ऐसे तीन लोग को हमने यूज़ किया है उसमें, और उसमें दो सलमान हमने रखे, एक सलमान खान साहब का फ़ैन बताए, और एज अ गेस्ट अपीयरेंस हम लोग ने सलमान भाई तो आ नहीं सकते, तो हमने सागर से एंट्री कराई कि चलो यार भाई आप एक एंट्री मार दीजिए भाई की तरफ से करके, तो एक मैसेज है भाई के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा हैप्पी बर्थडे सलमान भाई एंड गॉड ब्लेस यू, मालिक आपको खुश रखे, चुस्त रखे, और ऐसे मस्त रहिए, ऐसे एंटरटेन करते रहिए और हमें प्यार देते रहिए आपका, थैंक यू जी जी। भाई अपना भाई सल्लू भाई, मुंबई का सकाय सल्लू भाई, ये गाने के बोले सर।